स्मृति दिवस भी है, तो ललन सिंह यादव जी को भी नमन करते हैं, क्योंकि ललन सिंह यादव ने अपना पूरा जीवन बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। क्योंकि जब बाबा साहब ने 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उस टाइम ललन सिंह यादव को टीवी की बीमारी हो रखी थी और वो बिस्तर पर थे। और जब शाम को उन्होंने सूचना मिली कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो वो बहुत दुखी हुए कि अगर मैं ठीक होता तो शायद मैं भी आज नागपुर में होता और बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा होता। लेकिन 2 साल बाद जब ललन सिंह यादव ठीक हो गए, उन्होंने बाबा साहब के वही गुरु चंद्रमणि, जिन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उन्हें बुलाया और उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने कानपुर में ये लोगों से कह दिया कि आज के बाद मुझे कोई चौधरी या आज के बाद मुझे कोई यादव ना कहे, अब मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, अब मैं इन बहुजन समाज के लोगों का एक सेवक हूँ और इनके बीच में इन लोगों को बाबा साहब की बातों का प्रचार प्रसार करता रहूँगा। और वो पूरी उम्र बाबा साहब और बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना जीवन लगा दिया। ऐसे थे ललन सिंह यादव, और आज ही के दिन ललन सिंह यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो आज उनको भी नमन करते हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आती रहती हैं।